सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एंड आज अपन चला रहे हैं BS4 Duke 390 और अपने सामने है BS6 Duke 390। तो भाई आजकल ना मतलब सिर्फ Duke 390 पे वीडियोस आ रहे हैं रेगुलर, क्योंकि अपने ग्रुप में ना काफ़ी ज़्यादा 390 हो गए। बहुत जल्द मैं भी सोच रहा हूँ 390 ग्रुप ज्वाइन करने का, क्योंकि यार ये बाइक इतनी मस्त है ना, मतलब इतनी मज़ेदार है, लाइट वेट, ईजी टू राइड एंड मतलब ओवरऑल सब कुछ अच्छा है इस बाइक का। बाइक को ज़्यादा ही लगता है मैं KTM फैन बॉय बन चुका हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इन सारे बाइक्स को राइड करने में। और यार सिटी में राइड करने के लिए ना ये बाइक बिल्कुल मक्खन है, मज़ा आता है इस बाइक को राइड करके। लाइट वेट है, पावर इतनी अच्छी है, मतलब सिटी में तो आप अच्छी अच्छी बाइक को डिफीट कर सकते हो इस बाइक से। और क्या सही व्हीली बजती है इस बाइक पे यार, नेक्स्ट लेवल बिल्कुल। बहुत दिन के बाद अपन ना मतलब तबाही वाली स्ट्रीट रेसेस कर रहे हैं, फुल ट्रैफिक फिल्ट्रेशन एंड ऑल। मज़ा आ गया यार इस बाइक को राइड करके। ये बाइक ना बिल्कुल पॉकेट रॉकेट है, सच में पॉकेट रॉकेट है मैन। बस एक पंगा ना BS4 वाले में कि ये बाइक ना हीट हो जाती है। अबे यार क्या कर रहा है भाई, अगर जैसे इसको आप रेगुलर ना हायर RPM पे चलोगे ना बाइक तुरंत हीट हो जाती है, पैर में एकदम ब्लोअर वाला फील आने लगता है, जैसे बाइक के नीचे ना मतलब ब्लोअर चल रही हो। और एक तो बाइक का एग्जॉस्ट नोट इतना सही आता है। मज़ेदार बिल्कुल, नेक्स्ट लेवल यार। क्या ही मज़ा आ रहा है इस बाइक को भगाने में यार। अभी लगाते हैं यहाँ पे सारे बाइक्स को, क्योंकि हमें इंस्टाग्राम के लिए थोड़ा स्टोरी वगैरह निकालना है। यार क्या सही व्हीली पॉप होती है इस बाइक में। एक तो यार इतनी ज़्यादा ह्यूमिड टेम्परेचर हो रखी है ना, अभी पूरा ना हेलमेट के अंदर स्वेटिंग स्वेटिंग से हो रखा है, बट मज़ा काफ़ी आ रहा है इसको। पिनियन वर्सेस सोलो, अभी ना मैं पीलियन नहीं हूँ भाई, मैं सोलो चला रहा हूँ और भाई है पीलियन के साथ, तो बहुत डिफरेंस आ जाता है यार, मतलब अगर आप पीलियन के साथ राइड करोगे तो। बट स्टिल आपने लास्ट ब्लॉक में देखा होगा यार 150 बाइक लॉक कर रही है विद पीलियन, हो तो बहुत अच्छी बात है। तो
और विनी क्या प्यारी बजती है इस बाइक पे, एकदम मज़ेदार। फुल क्रेजी सीन्स हो रहे हैं यार आज तो। और यहाँ पे लिखा है डोंट पैनिक, मज़ा आ गया राइड करके आज तो। और अभी ना शाम का टाइम है तो थोड़ा अच्छा है ना, विज़न भी ज़्यादा अच्छा है, वरना रात होते ही टेंटर वाइजर का प्रॉब्लम। नेक्स्ट लेवल बिल्कुल यार, मज़ेदार। ये बाइक ना जब एकदम हाई आरपीएम पे चलती है ना तो पेट्रोल ना एकदम गले खोल कर पीती है, ये हाल हो जाता है इस बाइक का। अभी देखो एक दो पॉइंट मतलब इतना ही देर में गिर गया। आजकल ना यहाँ पे ना मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हो गया, मतलब रोड पे ना गाड़ियाँ कम पार्क होती है जिसकी वजह से यहाँ पे रश नहीं होता है, वरना पहले आपको पता ही होगा भाई यहाँ पे कितना ज़्यादा रश हुआ करता था। तो इस मैनेजमेंट के लिए तो भाई नेक्स्ट लेवल। अभी चलते हैं आगे की तरफ, बाइक्स लगाते थोड़ा, इंस्टाग्राम के लिए ना स्टोरीज़ वगैरह लेते हैं यार, क्योंकि इंस्टाग्राम की जो पब्लिक है वो बस स्टोरीज़ का मज़ा ले पाती है। और जिन्होंने भाई अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो इस चैनल पे तो, क्योंकि आपको इस चैनल पे ना बहुत ही क्रेजी क्रेजी कंटेंट्स मिलेंगे, मतलब हर बाइक की फुल पोटेंशियल अपन चेक करते हैं इन इंडियन रोड्स और साथ ही साथ ट्रैक पे भी। तो अभी यहाँ पे बाइक्स लगाते हैं, एक स्टोरी निकालते अच्छा सा फॉर आवर इंस्टाग्राम। सो गाइस तो अभी हमने बाइक कर लिया चेंज, आई एम राइडिंग द BS6 वेरिएंट। ये ना बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, दैट्स द रीज़न ये बाइक ना मतलब वो रॉ वाला फील नहीं दे पाती है। बाकी इस बाइक का जो क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लिपर है वो तगड़ा है। ये जो क्विक शिफ्ट ऑटो ब्लिपर इस बाइक का ना नेक्स्ट लेवल काम करता है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। और भाई जितना ज़्यादा अपग्रेड होते जा रहा बाइक, मतलब जितने भी नए वर्जन आते जा रहे हैं वो सारी बाइक्स ना ऑटोमेटिकली स्मूथ होते जा रही है, और वो बाइक का जो रॉनेस है ना वो ख़त्म होते जा रहा है। ये चेक करो, ये पूरा ना नो पार्किंग जोन हो गया, जिसकी वजह से ना यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क ना के बराबर होती है, और होती भी है ना तो उनका चलान कट जाता है।
यार बाइक जितना रॉ होता ना उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है बाइक को राइड करने में, और जितना स्मूथ होता जा रहा है भाई उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा है। ये चेक करो भाई, यहाँ पे ना हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है, फिर से यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। आज का वेदर थोड़ा बेटर है मतलब बाकी दिनों से, वरना इस टाइम पे ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। अभी थोड़ा ह्यूमिड है बट चलेगा भाई। हेलमेट के अंदर ना ये जो बालाक्लावा है वो पूरा का पूरा भीग चुका है स्वेटिंग से। आने देते बाकी भाई लोग को, भले जितना इजीली ना व्हीली BS4 वाले पे उठ रही थी ना, BS6 में उतना इजीली नहीं उठ रहा है, क्योंकि ये तो एक तो स्मूथ हो गया, ऊपर से भाई इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी थोड़े ज़्यादा दिए गए। अपने को ना रॉ बाइक पसंद आती है, पूरी रॉ हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। पता नहीं यार ये टोल वाला काम कब तक होगा, जैसे ही हो जाएगा ना तो थोड़ा सा क्राउड यहाँ का ना कम हो जाएगा पहले से। तो अभी यहाँ पे लगाते सारे बाइक्स को, उसके बाद देखते हैं भाई क्या प्लान बनता है यहाँ से।